Dear students, today we have to see that once again I will revise the things yesterday what we have completed. So yesterday we have seen that how electric current flows in a conductor. कल हमने देखा था कि electric current conductor में कैसे flow होता है. तो एक बार जस्ट fastly revise कर देता हूँ क्योंकि वो that is the important part. So हमने क्या देखा था कि there is a wire and in this conducting wire the electrons are moving randomly. इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रैंडमली मूव हो रहे हैं और इसका जो मोशन है वो रैंडम होने के कारण क्या हो रहा है ना, एक दूसरे से टकराता है. इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द आयन्स, इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द एटम्स. सो द नेट फ्लो व्हाट विल हैपन बिकम्स जीरो. सो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कंडक्टर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद ईच अदर एंड व्हेन दे आर कोलाइडिंग दे आर नॉट मूविंग इन ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. So for that what is done, we have taken a positive charge potential and negatively charge on the both side we have connected. Okay, तो हमने क्या किया था, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया, उन दोनों प्लेट को आपस में इधर दोनों साइड में ज्वाइन कर दिया. जैसे ही ज्वाइन किया क्या हो गया, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग द पोटेंशियल वी विल सी दैट देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जनरेट होगा. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है तब अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली घूम रहे थे अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा. और अब इलेक्ट्रॉन्स जब रिपल हो गए तो किस तरफ आएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे. तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली घूम रहे थे अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल देने के कारण उनको एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया. सो जो रैंडमली मोशन जो था अब क्या हो गया, वो स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा. फ्रॉम वेयर टू वेयर, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस वजह से क्या होगा, डेफिनेट करंट फ्लो हो गया. अभी ये जो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पोर्शंस हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हियर पोटेंशियल है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स क्रिएट करता है. तो कितना फोर्स जनरेट होगा इसके ऊपर, कल हमने देखा था एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई. एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज द फोर्स एंड ई इज द चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, F is equal to minus EE, this much amount of force supplied on the electron because of the electric field setup. And when the electric field is set up, the electron will start moving from negative terminal towards the positive terminal. So this will constitute the current. तो कल हमने देखा था, अगर अब क्या होगा, ये जो करंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब सारे के सारे इधर पहुँच जाएंगे, all the electrons, तब इलेक्ट्रॉन ये stop हो जाएगा. तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस फ्लो होने करने के लिए एक बैटरी लगाना पड़ेगा, बैटरी या सेल लगाना पड़ेगा. सो व्हेन वी आर कनेक्टिंग बैटरी और ए सेल देन व्हाट विल हैपन, कंटिन्यूस फ्लो विल बी देयर एंड दिस फ्लो इज कॉल्ड एज द स्टडी फ्लो ऑफ करंट. क्लियर हो गया, तो ये हमने कल देख लिया था, इसका तुमने नोट्स भी लिख लिया होगा कल. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसका पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द थियरी बिहाइंड दिस. एक्चुअली दिस वाज गिवन बाय ओम्स लॉ. ओके, ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, ये साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इन 1828. जॉर्ज साइमन ओम इन 1828 हैज़ गिवन दिस लॉ. According to this law, what is the statement of this law? The current in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and other physical conditions are kept constant. What is this meaning? Iska meaning kya hai statement ka? फिर से अभी मैं ये कल का जो एक्सप्लेन किया था फिर से इधर सामने लेकर आता हूँ. हमने क्या देखा था, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल हम लगा रहे हैं. ओके, दोनों साइड में. सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाता है,
सो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो दैट विल कंस्टिट्यूट द करंट. सो व्हाट द ओम्स लॉ हैज स्टेटेड, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर. इधर ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. मतलब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल जो हमने लगा दिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट फ्लो होगा कहाँ से कहाँ पर फ्लो होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. सो व्हाट दिस, वंस अगेन लिसन हियर, दिस ओम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओम्स लॉ ऑल द कैलकुलेशंस वी हैव टू डू. सो व्हाट द लॉ सेज दैट, फिर से अच्छी बार एक बार समझ लो. दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट इन ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the temperature and other physical conditions are kept constant. अभी ये physical condition क्या क्या है, temperature क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना temperature क्या रहना चाहिए, constant होना, कम ज़्यादा temperature नहीं होना चाहिए. physical conditions प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो इफ़ आगे हम क्या कर रहे हैं, इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. अगर हम कहते हैं कि आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई. दिस साइन इज कॉल्ड एज व्हाट, proportionality sign. So V is proportional to I. So to remove this proportionality sign, some constant is required. So V is equal to R is taken. Where is this R is what? R is the proportionality constant called resistance of the conductor. R क्या है ये? R is called as the proportionality constant. R का नाम क्या दिया उन्होंने? Resistance of the conductor. Clear हो गया? So now once again listen here, Ohm's law states that current in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the temperature and other physical conditions of the conductor are kept constant. If we say that V is the potential difference, I is the current, then current which is flowing through the conductor is given by V is proportional to I. So V is equal to this proportional sign remove karne ke liye constant lagta hai, that constant is called as what, R. Now later on this Ohm's, George Simon Ohm has defined that R is the resistance of the conductor. To ye ho gaya apna Ohm's law. So this Ohm's law says that formula kya yaad rakhna hai, V is equal to R, IR. I is the current, R is the resistance, V is the potential difference. तो जितना हम potential difference किसी भी wire के against में लगाएंगे उतना ही current flow होगा. तो ये जो current है ये किसके ऊपर proportional है? Potential के ऊपर depend है. अगर मैंने potential नहीं लगाया तो current flow नहीं होगा. If will not apply the current, potential, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. ये उसी तरह है जिस तरह से कल हमने एग्जांपल देखा था कि अगर मैंने पाइप में वायर पानी ले लिया है और दोनों के दोनों एंड पाइप के मैंने अपने हाथ में रख लिए तो पाइप बाहर निकलेगा क्या, तो पानी बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा. तो पानी निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाथ, एक एंड जो है पाइप का उसको नीचे डालना पड़ेगा, तभी वो पानी बाहर निकलेगा. तो पानी बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक एंड, एक हाथ मुझे क्या रखना है, अपर पोजीशन पे रखना पड़ेगा और दूसरा हाथ क्या करना पड़ेगा, लोअर एंड पे लाना पड़ेगा. तो मेरा क्या हो गया, डिफरेंस आ गया. सो पोटेंशियल डिफरेंस इसे कहते हैं, हायर पोटेंशियल डिफरेंस, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस. तो करंट फ्लो होगा, पानी जो फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर वो किस वजह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हायर से लोअर में जा रहा है. जब भी हम नल का पानी ओपन कर रहे हैं
तो पानी का टंकी कहाँ रहता है? छत के ऊपर रहता है। तो छत के ऊपर रखा हुआ है तो जो पानी का जो फ्लो है वो क्या होगा? टॉप टू बॉटम होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ करंट ये उल्टा है। करंट के केस में हाउ द करंट विल फ्लो? इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। व्हाई इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल? बिकॉज फ्रॉम द नेगेटिव पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्ड, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्ड फ्रॉम द नेगेटिव पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। व्हाई दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल? बिकॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। जैसे अभी हमने कल देखा था कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, फिर से भी इस पिक्चर पे मैं लेकर आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव पोटेंशियल पे मूव हो रहा है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहने के कारण ये नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव क्या होगा? रिपल होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले विदाउट पोटेंशियल नहीं रैंडमली घूम रहे थे, अभी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर घूमना शुरू हो जाएंगे। ओके, सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ द कंडक्टर। अभी यही हो रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है? अभी हमने डिटेल में देखा कि क्योंकि पोटेंशियल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। जितना मैंने पोटेंशियल दिया उतना ही करंट फ्लो होगा। और इसके अलावा करंट जो फ्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ समझ में आ गया? दिस लॉ टेंथ स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। अब यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये लॉ आगे भी हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, अब रेजिस्टेंस क्या है? अब नेक्स्ट, डिफाइन रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा V इज इक्वल टू आर आई, तो व्हाट इज R? R इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर? सो R इज इक्वल टू V बाई आई, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस क्या है? V बाई आई है। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज I? करंट। सो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन पूछा है रेजिस्टेंस का, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो R इज इक्वल टू व्हाट? V बाय I। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट। अब ये तो डेफिनेशन हो गया, मगर जनरली पूछ लिया व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट, स्टॉप करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये एक तरह का अपोजिशन है किसको? करंट को। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर क्या करता है? करंट को फ्लो होने नहीं देता है, और जो फ्लो होने नहीं दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। इट इज़ एन एक्चुअली रेजिस्टेंस विल बी रिटन एज व्हाट? ओम पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्टेज, वोल्ट है। और करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है। तो वोल्ट पर एम्पियर इसको कहते हैं ओम। ओम क्या है? इट इज़ ए एग्जाम्पल और